देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। केजीएमयू में मंगलवार को चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आई। आज यहां कर्मचारियों की नाराजगी के बाद ओपीडी पर ताला जड़ दिया गया। दरअसल कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहां मंगलवार को से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच ईमानदारों और कर्मचारियों के बीच में झड़प भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, पूर्व में इस बात की चेतावनी प्रशासन को भी दी गई थी कि मंगलवार को कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे, हालांकि इसके बाद भी उनकी मांगों को लेकर कोई भी गौर नहीं किया गया और नतीजा ये कि आज मंगलवार की सुबह से ही कर्मचारियों ने ओपीडी पर ताला जड़ दिया। इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है शादाब सिद्दीकी। शादाब, क्या आपके पास ताज़ा तरीन खबर है वहाँ की कि बराबर धरना प्रदर्शन चल रहा है और कर्मचारी हड़ताल पर हैं? कर्मचारी आज हड़ताल से हैं, उन्होंने ओपीडी भी बंद कर दी है, जिसके बाद जो जमींदार है वो बहुत परेशान है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जमींदार है जो यहाँ पे इन्होंने रोड भी जार की थी, उसके बाद तौर पर मांगे जो इनके मरीज है उनको देखा जाए। फिलहाल अभी कोई भी मरीज देखने के लिए तैयार। अभी एक ये जमींदार है, क्या नाम है आपका? शादाब, जाहिर सी बात है ईमानदार हैं, सुबह से ओपीडी बंद है तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर से जो लोग आए हुए हैं वो तो सबसे ज़्यादा समस्याओं से को जूझ रहे हैं इस समय। मैं चाहूँगा कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करिए, कोशिश करिए कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोले हर आवाज़ ताकि क्लियर आए थोड़ी सी। आवाज़ आ रही शादाब आपको? मैं चाहूंगा एक बार एक एक करके लोगों से बात करिए ताकि आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे लोगों की, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि सुबह से ही मरीज तक, तक, जी जी बताइए। मरीज हम बात करने को लेकर कहाँ से आए आप और उसका बात करें, क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी आपकी? तो अभी आपने किसी से कोई शिकायत की इसके बाद? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबह है, मैं घर से आया हूँ और सर 15 दिन बाद डॉक्टर साहब ने बुलाया सर रिपोर्ट के साथ, सर ये लोग बोले सर्वर नहीं चल रहा है, सर्वर नहीं चल रहा और डॉक्टर बोले रिपोर्ट लाइए तब मैं देखूंगा। सर अब हम क्या करें बताइए सर, पूरा पूछा है उसका किराया लगा के फिर अब पूरा पूछा है फिर आए हम सर। तो अभी आपने हाँ सर, मैं सीएम हेल्पलाइन नंबर से फोन किया तो मैम ने बोला अभी अस्पताल में ठीक हो सकता है, उसका एक्शन को बात किया जाए। अच्छा, तो अभी आप आपका पूछ रहे कौन मरीज है? कौन सर? दो लोग हैं सर, कंप्यूटर हुआ सर, हेमेटोलॉजी का गठिया रुक हुआ है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप आए? जी कुशीनगर। क्या दिक्कत है आपको? कोई मरीज है यहाँ? जी मरीज को तो मैं कल ही लेके आया था गोरखपुर सावित्री नर्सिंग होम से रिफर करा था और रात भर मेरा मरीज बाहर रहा है, बाहर जाने को कोई अंदर नहीं दिया। 9 बजे
सिफारिश करने पर पर्ची बनी है और इमरजेंसी को वही लोग रखे हैं और अब ओपीडी का नंबर था लेकिन बोला है कि हम निश्चित कल की हड़ताल है हमें जो हड़ताली करना था तो हार दे दी होते पेपर में था कि हम अपना संस्था जो इतने दूर से हम लोग आने का क्या मतलब है सरकार में पग पग पर खाली क्या नाम है आपका कहाँ से आई हुई हो आप क्या है परेशानी मनीष आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे तहसीलदार परेशान है उनके रिश्तेदार यहाँ पे बहुत परेशान है जिस हिसाब से यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन इन्होंने ताले लगा दिए ओपीडी में उसके चलते यहाँ पे जो जमींदार आए हुए हैं बहुत दूर से जो मरीज के रिश्तेदार हैं वो लगातार यहाँ परेशान होते हुए दिख रहे हैं और ये बात तो अगर देखा जाए सही है कि अगर इनको पहले से करना था तो ये कम से कम एक नोटिस भी लगा सकते थे। फिलहाल जो कर्मचारियों का कहना है उन्होंने कहा था कि जो है मैं मंगलवार को हम लोग एक धरना प्रदर्शन करेंगे जबकि आज जो अधिकारी हैं उनको मालूम था उसके बावजूद भी जमींदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये बड़ा सवाल है। जी मनीष शताब जब प्रशासन को पहले ही बता दिया गया था अपनी मांगों को लेकर हम अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होंगी तो हम इसको प्रदर्शन करेंगे उसके बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जिसको लेकर आज ये प्रदर्शन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ये भी चाहूँगा कि प्रदर्शन स्थल पर जो बैठे हुए डॉक्टर्स बैठे हैं जो शिक्षक बैठे हुए हैं वो अपनी मांगों की एक बार फिर से आपका सुनवा सकते हैं आप तो एक बार फिर से उनसे बात करके जरा सा जानकारी दिलवाइए कि मतलब क्या है इसको लेकर आगे अपडेट। यहाँ पे कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया है जो जिम्मेदार हो और यहाँ पे लोगों से बात कर सके। फिलहाल जो जमींदार सुबह से परेशान थे वो आज यहाँ पे रोड पे आ गए हैं उन्होंने जाम लगाने की भी कोशिश की थी हालांकि जो पुलिस है उन्होंने उनको खदेड़ दिया किनारा कर दिया उनको और फिलहाल अभी जो ये जमींदार हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है। हम आपको दिखलाना चाहेंगे लगातार यहाँ पे जिस हिसाब से भीड़ बढ़ती जा रही है जमींदारों की बहुत ज़्यादा इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो कर्मचारी है उन्होंने ओपीडी में ताला लगा दिया है उसके बाद वो वहाँ पे हड़ताल करके नारेबाजी कर रहे हैं जिससे पहले मैंने आपको दिखलाया भी था। फिलहाल जो ये जिम्मेदार हैं वो लगातार परेशान होते हुए दिख रहे हैं। जी मनीष शताब ओपीडी में ताला लगा हुआ है तो जो मरीज आ रहे हैं उनका क्या वो क्या वापस लौट रहे हैं कि वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं समय बैठ के अपने इलाज का इमरजेंसी तो चली रही होगी। देखिए मनीष कुछ लोग जो आ रहे हैं वो लौट भी रहे हैं जो दूर से आ रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हड़ताल खत्म होगी उसके बाद वो अपने मरीज को दिखला पाएंगे। फिलहाल जो ये कर्मचारी का कहना है इनका साफ तौर पर कहना है कि हड़ताल जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होगी तो हड़ताल नहीं खत्म होगी इसके चलते ये तो कहना मुश्किल होगा कि ये हड़ताल खत्म करेंगे। फिलहाल जो जमींदार या जो मरीज आ रहे हैं उनका क्या होगा ये कहना गलत नहीं होगा कि उनका वो राम भरोसे हैं। जी फिलहाल कहा यह जाए कि प्रशासन ने अभी तक कोई भी सुध नहीं ली है इसको कोई भी संज्ञान लेना उचित नहीं समझा है इसके कारण से ही अगर ये केजीएमयू की हड़ताल आगे चलती रहे दो तीन दिन तक तो जाहिर सी बात है मरीजों और ईमानदारों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है इसमें। फिलहाल शताब इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार अपडेट बना के रखिएगा इस पर हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। जैसा आपने देखा कि केजीएमयू में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और प्रशासन ने अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं लिया जिससे ईमानदारों और बाहर से आए हुए लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ प्राइम टीवी के साथ तब तक के लिए एक छोटा सा विराम नमस्कार।